हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्म फार्मेसी में। लेक्चर नंबर 1, टॉपिक है हमारा अधातु और उनके यौगिक। इसमें हम जानेंगे जी का पेंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन है इसमें रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, लवण जल। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है इसमें आसवन द्वारा, संघनन द्वारा, वाष्पन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, आसवन द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि ऑप्शन है इसमें नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं, समुद्र के अंदर लवण की चट्टानें हैं, समुद्र के आसपास का वातावरण लवण युक्त होता है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवण उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए इसमें सी और एमजी के बायोकार्बोनेट, सी ए और एमजी के कार्बोनेट, सी ए और एमजी के क्लोराइड, सी ए और एमजी के सल्फेट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन है इसमें सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत है? ऑप्शन है इसमें सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, सी ए और एम जी के कार्बोनेट की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सी और एम जी के कार्बोनेट की। एक नाभ के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? ऑप्शन इसमें न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभ के क्रिया को रोकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक रूप में किया जाता है। भारी जल ऑप्शन है इसमें खनिज समृद्ध जल होता है, ओजोनीकृत जल होता है, भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन इसमें H2O2, H2O, HDO, D2O। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, D2O। भारी जल अनुभार है, ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणु की अनुसंख्या, ऑक्सीजन परमाणु की अनुसंख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल एक प्रकार का, ऑप्शन ए इसमें शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, इंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मंदक है। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, हाइड्रोजन परोक्साइड, भारी जल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन परोक्साइड। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबालने के काम आता है, ऑप्शन है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, हाइड्रोजन परोक्साइड, भारी जल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन परोक्साइड। कार्बन है एक, ऑप्शन है इसमें धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, ऑप्शन इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कार्बन। कार्बन परमाणु में होते हैं, ऑप्शन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 12 एन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन।
12 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कार्बन। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं? ऑप्शन है इसमें ऋण आयन, धन आयन, बफर, अपरूप। ऑप्शन डी इसमें राइट है, अपरूप। एक गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है? ऑप्शन इसमें बहुलीकरण, संभारिक, समस्थानिक, अपरूपता। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, अपरूपता। हीरे और ग्रेफाइट किसके स्वरूप हैं? अपरूप हैं। ऑप्शन इसमें सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, टिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है इसमें हीरा, एंथ्रासाइड, ग्रेनाइट, गेफाइट। ऑप्शन बी इसका राइट है, एंथ्रासाइट। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन है इसमें हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इसमें से कोई भी नहीं। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है इसमें फर्स्ट है इसमें इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसमें योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और उनके कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सैलों के वेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है इसमें 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2 और 4। ऑप्शन है इसमें राइट है, 1, 3 और 4। निम्न में से कौन मूल तत्व है? ऑप्शन है इसमें रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है इसमें हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुरेलेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हीरा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? ऑप्शन है इसमें हीरा, ग्लास, क्वार्टर, प्लेटिनम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ऑप्शन इसमें शुद्धता, भार, द्रव्यमान, घनत्व। ऑप्शन बी इसका राइट है, भार। निम्न में से कौन विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? ऑप्शन इसमें हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, गेफाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ग्रेफाइट। निम्न में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन इसमें फास्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ग्रेफाइट। आई होप आपको ये सभी एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।